मेरा नाम डॉक्टर असमत उल्लाह खान काकर है. मैं ENT हेड एंड नेक सर्जन हूँ. मैं कंसल्टेंट ENT हेड एंड नेक सर्जन बोलन मेडिकल कॉलेज और कंसल्टेंट संडेवन पंचल हॉस्पिटल क्वेटा. नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के बहुत सारे काजेज होते हैं. कॉमन काजेज में एक तो DNS है जिसमें नेजल का जो सेप्टम है वो डिविएट हो जाता है, वो टेढ़ा हो जाता है एक साइड पे, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है, ख़ासकर नोज़. चूँकि हमारे सांस लेना बेसिकली नोज़ की वजह से होता है, तो नाक से मरीज सांस नहीं ले पाता. और सेकंड इसमें ये होता है कि पॉलिप्स बन जाते हैं, वो बच्चों में भी होते हैं जो कि मोस्टली एक साइड पर, और बड़ों में भी होते हैं जो इन्फेक्शन या मोस्टली एलर्जी की वजह से होती है, वो दोनों साइड पे होते हैं. और इसके अलावा जो नाक के अंदर अपने गोश्त होते हैं जिसे हम इन्फीरियर टर्बिनेट कहते हैं, वो इलाज हो जाते हैं रिकरेंट इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से. और इसके अलावा कोई ट्यूमर हो, मतलब कोई कैंसर वगैरह हो, या बच्चों में हम जो फाइब्रोमा कहते हैं वो बच्चों में हो सकते हैं, मेल बेबीज़ में, जो कि फर्स्ट डिकेड एंड सेकेंड डिकेड में ये पाया जाता है, उन बच्चों में उनमें हो सकता है. और इसके अलावा एडिनाइट्स, बहुत छोटे बच्चों में एडिनाइट्स, एलर्जी क्राइनाइटिस, सिनुसाइटिस, ये कॉमन काजेज़ हैं जिसमें नोज़ बंद हो जाता है और बच्चों को या बड़ों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है. सिनुसाइटिस जो है वो एक बीमारी है जो कि हमारे अंदर साइनसिस होते हैं, जो बोन है, स्कल का जो बोन है, ये सर का बोन जो हड्डी है उसके अंदर कुछ साइनसिस होते हैं, उसके इन्फेक्शन को सिनुसाइटिस कहते हैं. उसके भी बहुत सारे काजेज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एलर्जी, इन्फेक्शन, DNS, और कभी कभी ड्रग्स की वजह से ये सारा होता है. और इसका जो इन काजेस के इसी काजेस में मैंने कहा था कि ट्यूमर्स वगैरह की वजह से भी सिनुसाइटिस होते हैं, और बच्चों में एलर्जी, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह इन चीज़ों की वजह से सिनुसाइटिस हो जाता है. इनकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ किस्म की है. अगर एलर्जी है तो हम एलर्जी को दूर कर देते हैं. अगर DNS है, नाक की जो दरमियान की हड्डी है सेप्टम, वो अगर टेढ़ा हो तो हम उसे सेप्टोप्लास्टी करके उसे सीधा कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं. और साथ ही साथ हम फेस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, उसके ज़रिए हम साइनसिस को क्लियर कर देते हैं. और पहले वो पैथोलॉजी जिसकी वजह से सिनुसाइटिस होता है बार बार, हम पहले उस डिज़ीज़ को रिमूव करते हैं, ख्वा वो इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, या हड्डी टेढ़ी हो, या नाक की जो गोश्त है अपने जिसे टर्मिनेट्स कहते हैं वो अगर इनलार्ज हो, हम उनको पहले ट्रीट करते हैं और उसके साथ साथ हम साइनसिस को भी क्लियर करते हैं. या तो वो ट्रीटमेंट की वजह से जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, और एलर्जी को दूर करके, इन्फेक्शन को दूर करके, अगर उससे नहीं हो सकता है तब हम जाके फेस फंक्शन एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी या इंट्रानेजल इंट्रास्कोपी करके हम साइनसिस को क्लियर कर देते हैं, और बाद में पेशेंट को गाइड कर देते हैं कि कैसे एलर्जी से अपने आप को बचाना है, या ये गर्दोगुबार स्पेशली जो क्वार्टर में है, यहाँ इस हालत में सिनुसाइटिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं जो हमारे पास पेशेंट आते हैं. तो ये मोस्टली उनकी ट्रीटमेंट होती है जो मैंने शॉर्टली बता दिया. और ऐसे तो बहुत सारे काजेज हैं वो उसकी सिनुसाइटिस. एयर इन्फेक्शन भी यहाँ पे बहुत कॉमन है, स्पेशली बच्चों में भी और बड़ों में भी. बच्चों में हम उसे कहते हैं ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, और वो बेसिकली अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, या जो वालदा है वो बच्चों को सही तरीके से फीडिंग नहीं कर पाती. बच्चे का सर नीचे चला जाता है, जो कि दूध पीछे जाके असिस्टेंट ट्यूब हम उसे कहते हैं, जो कि हवा का एक ट्यूब होता है कान के दरमियानी हिस्से से पीछे गले तक,
ये ट्यूब बच्चों में बड़ा भी होता है यानी उसका साइज बड़ा होता है और वो शॉर्ट होता है ना, उसकी लंबाई कम होती है, तो अगर दूध पीछे चला जाता है तो इजीली जाके कान में जा सकता है, जिसकी वजह से ईयर इन्फेक्शन होता है। तो पहले जो मैंने कहा बच्चों का, अगर मैं बता दूँ बच्चों में होता है कि हम माँ को गाइड करते हैं कि वो बच्चों का जो प्रॉपर पोजीशन से बच्चे का सर ऊपर करके उसको दूध पिलाए, ख्वा वो ब्रेस्ट फीडिंग हो या बोतल के जरिए उसे दूध देना हो, बच्चे का सर ऊपर हो ताकि दूध पीछे के रास्ते से कान में ना चले जाए, नंबर एक। सेकेंड, बच्चों में एलर्जी भी ज़्यादा होती है, एलर्जी यानी कि नाक का बंद रहना, नाक का देना, ये भी एक वजह है, और साथ ही साथ गला बार बार ख़राब रहना, इसकी वजह से भी वही इन्फेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूब की वजह के ज़रिए मिडिल ईयर जो दरमियाना हिस्सा है कान का वहाँ तक चला जाता है और उससे ईयर इन्फेक्शन होता है। बड़े बच्चों में, मतलब जो थोड़े से बड़े हो उनमें भी जो कान का इन्फेक्शन होता है वो कभी DNS की वजह से, जो हम पहले बता चुके हैं, कान नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, गले का बार बार इन्फेक्शन होना या सिनुसाइटिस बार बार होना, उसकी वजह से भी कान ख़राब हो जाते हैं। उसमें हम पहले जो वजह है वजह दूर करते हैं, बाद में कान को ट्रीट करते हैं। कान से अगर पीप वगैरह आता हो तो हम उस पीप का तजिया करके कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया वगैरह इन्वॉल्व है उसको उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। बाद में जो पर्दे में एक सुराख होता है उस सुराख को हम सर्जरी के ज़रिए बना देते हैं, और कभी कभी कोलिस्टोमा जिसे हम कहते हैं वो अगर हो जाए तो हम कान के पीछे ऑपरेशन करके उस पूरा बीमारी को निकाल देते हैं। उसका वाहिद हल या वाहिद इलाज ऑपरेशन ही है, और बाद में हम वालदैन को या उस मरीज को समझा देते हैं कि कैसे अपने आप को या मज़ीद इस बीमारी को दोबारा आने से कैसे रोकता है, वो सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पोल्यूशन, इन्फेक्शन और हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ पे ये गले की, नाक कान गले की बीमारी ज़्यादा होती है। EMT का जो मतलब है एयर नोज थ्रोट, लेकिन इसमें अभी जो नया है ओटो राइनोलेरिंगोलॉजी ORL एंड हेड एंड नेक सर्जरी, गले और नेक और जो गर्दन है उसकी डिजीज को भी हम इन्हीं में ट्रीट करते हैं, ख्वा उनकी सर्जरीज हो या उनसे रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो। तो ENT स्टैंड फॉर एयर नोज एंड थ्रोट।